12वीं के बाद हर स्टूडेंट के जहन में उठता है एक सवाल कि आखिर 12वीं के बाद क्या है उनके करियर की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी। 12वीं के बाद ये सारे कोर्सेज हमारे सामने ताथैया करने लगते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज यानी कि IAS को कर सकते हैं क्रैक, तो शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने IAS बनने के सपने को कर सकते हैं साकार आकार के जूनियर IAS बैच के साथ। तो आकार के जूनियर IAS बैच का हिस्सा बनने के लिए आप अपकमिंग 23 अप्रैल को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तथा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आकार जूनियर IAS बैच के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, या इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप हमारी ब्रांच पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं। संविधान के बारे में कुछ पहले छोटे छोटे फैक्ट देख लेते हैं। जैसे संविधान में कितने भाग हैं? 25 या कितना है? 22। ये क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से स्टार्ट करना है। क्या बोलते हैं इनको? भाग। अच्छा, पार्ट्स को जब आप इसमें डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे पार्ट्स को किसमें लिखा गया है, चैप्टर्स में, अध्यायों में। ठीक है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, बस इतना आपको पता होना है कि कितने भाग हैं? 22। पहले ये 22 भाग में क्या है इसको हम एक स्ट्रक्चर के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखें, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं संविधान में? 22। ठीक है, और अगर इस 22 भाग को अगर हम स्ट्रक्चर करें तो इसको 6 ग्रुप में बांट लेते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। 22 भाग को 6 ग्रुप में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। कैसे होगा? पहले ग्रुप में हम उन आर्टिकल्स को या उन पार्ट्स को रखेंगे जो बात करते हैं अबाउट इंडिया। तो किसकी बात कर रहे हैं? अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। आप सोचिए कि कौन कौन सा भाग ऐसा है जो भारत के बारे में बात करता है, कौन कौन सा भाग है? हाँ, कौन कौन सा? एक तो पार्ट वन, जिसमें किसकी बात करी की गई है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया एंड स्टेट्स। ठीक है, और दूसरा भाई, इंडिया किससे बना है? इंडिया या तो ज्योग्राफी से बना है या फिर उसके सिटीजन से बना है, दो ही लोगों से बना है ना। भारत के बारे में तो दो ही चीजें हैं, अबाउट इंडिया के बारे में दो ही चीजें हैं। ठीक है, या तो पार्ट वन से बना हुआ है या फिर दूसरा किससे बना हुआ है, पार्ट टू। तो अगर भारत के बारे में आर्टिकल्स या पार्ट्स की बात हो रही है तो कौन से आर्टिकल वहां पार्ट की? अबाउट इंडिया के बारे में पार्ट वन और पार्ट टू की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ज्योग्राफी है जिसमें सिटीजन्स रहते हैं, इनका गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, यानी कि गोल्स ऑफ इंडिया, भारत का आखिर लक्ष्य क्या है, भारत का क्या लक्ष्य है, भारत क्या चाहता है? और भारत की ज्योग्राफी तो कुछ नहीं चाहेगी, बस वो सिक्योर रहे, किसी दूसरे का जो एग्रीगेशन है या वार भारत की बाउंड्री पर ना पड़े, ज्योग्राफिकल चेंज ना हो। लेकिन मेन चीज वहां पर कौन है? भारत में सिटीजन्स। तो किसके लक्ष्य की बात हो रही है? जो सिटीजन के लक्ष्य होंगे वही तो भारत का गोल होगा, ये बात तो है ना, क्लियर है ना बात? भारत के लक्ष्य का मतलब क्या है? भारत के लक्ष्य का मतलब है कि जो नागरिकों का लक्ष्य होगा वही भारत का लक्ष्य होगा, क्लियर है? तो और नागरिकों का लक्ष्य क्या होता है? एक नागरिक के तौर पे आपके गोल्स क्या है, क्या मिले आपको? एक तो अभी ऐसे मत भूले कि आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे ऐसे बताइए कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है? आप मुझे ऐसे आंसर करिए कि मैं ये जान सकूं कि आपको नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि आप बहुत कुछ जानते तो मैं कम बताऊंगा,
तो इससे आपका लॉस है। ठीक है, तो नागरिकों को क्या चाहिए? नागरिकों के चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हो सके, वो विकास कर सके। सिंपल सी चीज। और विकास कैसे करेंगे? विकास कैसे करेंगे? जब उन्हें वो राइट्स मिलेंगे, वो अधिकार मिलेंगे जिसके जरिए वो अपना डेवलपमेंट कर सके। कौन से अधिकार? बोलने की स्वतंत्रता। कौन से अधिकार? कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। कौन सा अधिकार? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। खुद के बिलीफ को प्रैक्टिस करने का या मानने की स्वतंत्रता। किसी भी तरीके के उन्हें अधिकार ये क्या होने चाहिए? मानने, मतलब उनको ये अधिकार क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। सिर्फ अधिकार नहीं मिलने चाहिए बल्कि उसके साथ में क्या होना चाहिए? अगर कोई उनका वायलेशन करे तो उस वायलेशन पर पनिशमेंट भी दूसरे वाले को वहां पर मिलना चाहिए। तो यानी कि इंडिया के सिटीजन्स का पहला लक्ष्य तो ये है कि उन्हें क्या मिले? वो अधिकार मिले जिससे वो खुद का ही विकास कर सके। और ये हर सिटीजन चाहते हैं। फैमिली के कॉन्सेप्ट में तो आप बाद में आएंगे, पहले खुद का विकास करने के लिए आपको वो सारे अधिकार क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। दूसरा, इन अधिकारों का आप तब तक उपयोग नहीं कर सकते जब तक उसके लिए क्या ना हो? रिसोर्स, संसाधन। क्या ना हो? संसाधन। आप पढ़ना तो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी मैं विकास कर पाऊंगा, तभी मेरी इफिशियंसी रहेगी, लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं है। आप चाहते तो हैं व्यापार करना, लेकिन रोड ही नहीं है। आप चाहते तो हैं कि किसी भी तरीके का एसोसिएशन बनाना, ग्रुप बनाना, लेकिन उस तरीके का कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राइट्स चाहिए होगा जो आपके मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, और उसके साथ में तो सपोर्ट चाहिए होगा। वो क्या चाहिए होगा? बात समझ में आया? अच्छा, और नागरिक क्या चाहता है? अधिकार चाहता है, और वो व्यवस्थाएं चाहता है, अच्छे स्कूल चाहता है। एक चीज इसमें तो और भी आएगा ना, गोल्स ऑफ इंडिया में। इंडिया का चाहता है, इंडिया चाहता है कि उनके जो नागरिक हैं, उनके जो लोग हैं, वो अपने कर्तव्यों का भी क्या करें? निर्वहन। एक चीज यहां पे और आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि इंडिया का लक्ष्य क्या है? इंडिया का सिर्फ एक लक्ष्य है, भारत विकास करे, भारत डेवलप करे। और भारत डेवलप करने का मतलब यह है कि भारत के नागरिक क्या करें? विकास करें। इंडिया के लक्ष्य में अगर हम पार्ट्स की बात करें तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? पार्ट 3, 4 और 4A। अब देखिए, हमने 5 आर्टिकल्स को 2 ग्रुप में कर लिया, अरे 5 पार्ट्स को। एक जो अबाउट इंडिया की बात करता है, दूसरा जो गोल्स ऑफ इंडिया की बात करता है। सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो गया, इसके बाद किसी पार्ट की जरूरत है ही नहीं। क्यों? भारत क्या है ये पता चल गया, भारत में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी ये पता चल गया, कोई दूसरा आएगा कैसे आएगा, सिटीजनशिप वो भारत का नागरिक बन सकता नहीं बन सकता है, वो यहां पे चीजें हो गई। मतलब भारत की ज्योग्राफी और भारत के लोगों का क्लियरिटी इन 2 पार्ट से हो गई। भारत के लोगों को वो डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे मिलेगा, वो अधिकार कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें यहां पे हो गई। तो अब किसी दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब हमें क्या चाहिए? साधन। मींस वो कौन से साधन हैं जिनके जरिए हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे? वो साधन आएंगे कहां से? वो प्रोवाइड कराएगा कौन? ये दिया गया है पार्ट 5 से लेके कहां तक? पार्ट 19 तक। कैसे? पार्ट 5 में कौन सा साधन है? यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट, राष्ट्रपति से लेके और वहां पर अटॉर्नी जनरल तक पूरा सिस्टम है। कैक सारी चीजें इसमें हो गया, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ इसमें आ गया, जुडिशरी आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गई, सारे लोग आ गए। स्टेट में स्टेट पूरा आ गया, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गया 8-9, ठीक है। देन आपकी अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे कौन कौन आ गए? यूपीएससी आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गए, ठीक है, जो SC/ST माइनॉरिटीज थी सारे लोग आ गए। यानी कि ये जो भाग संविधान ने बनाया है, ये भाग क्यों बनाया है? ये वो साधन है जिनके जरिए इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी इस एरिया में। बात समझ में आया? आप लोग कहां आएंगे? आप लोग IAS बनने के बाद में या जुडिशरी बनने के बाद में या जज बनने के बाद में कौन से भाग में आएंगे? सीन्स, यू आर द मीन्स।
आप वो साधन बनेंगे जिसके जरिए इन लक्ष्यों की क्या होगी प्राप्ति करनी। क्लियर हो गया? तो 5 से 19 को हम एक अलग से डिवीजन कर लेंगे, जिसमें जैसे 5 भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, 7 8 9 10 11 12 14 15 ऐसे करके 5 से 19, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अब यहां तक सारी चीजें हो गई। अब डी ई एफ में क्या होगा? अभी भी कुछ कमी लग रही है। इंडिया के बारे में पता कर लिया, इंडिया का गोल्स पता कर लिया, उस गोल्स को पाने का साधन पता कर लिया। जैसे आपने अपने बारे में पता कर लिया, कहां रहते हैं, आपने अपना एम तय कर लिया कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, और उसके लिए फिर आपको आईएएस की तैयारी करनी है, तो मेंस क्या है, कोचिंग करना है, किताबें पढ़नी है, आंसर राइटिंग करना, सारी चीजें क्लियर होगी। अब क्या जरूरत है, नेक्स्ट क्या जरूरत पड़ेगा, रिजल्ट, आउटकम। ये आउटकम एक्चुअली मीन्स ही आउटकम देखेंगे, यही उसका आउटकम निकाल के रिजल्ट बताते रहेंगे, कहां कहां लगातार इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, ये वही तय करते रहेंगे। अब एक्चुअली है क्या कि यहां पर होगा कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से भाग में है, पार्ट 20। क्यों? क्योंकि ये कब लिखा गया है, ये संविधान कब बना है, 1950 में। हम कब बात कर रहे हैं, 2023 में। तो जाहिर सी बात है कि जो मींस, जो साधन, जो गोल्स तय किए गए हैं, समय के साथ में इसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सिटीजन है उनके एस्पिरेशंस टाइम टू टाइम क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हम अपने गोल्स और अपनी इंडिया की चीजों को बहुत स्टैटिक नहीं रख सकते, स्थैतिक नहीं रख सकते। स्थैतिक का मतलब क्या है कि जो एक चीज फिक्स हो गई, अब उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्या ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, बदलाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए। तो हमारे पास में एक ऐसा की पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसी चाबी होनी चाहिए जिसके जरिए हम इसमें अगर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हम इसमें चेंज कर सके। और वो चेंज कहां से आएगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करके। और हमने किया भी है, हमने समय के नीड के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट किया या नहीं किया, इसमें संविधान में संशोधन किया। बात समझ में आया? फिर ई और एफ में क्या होंगे, कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं, 22। कितना तक हमने देख लिया, 20। कौन सा बचा, 21 और 22। ई ग्रुप में कौन होगा, 21वां, और एफ में भाई दो ग्रुप हैं, दो लोग हैं, एक ग्रुप में एक होगा और एक ग्रुप में दूसरा होगा, इसमें तो कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपका मिसलिनियस पार्ट होगा या टेम्प्रोरी प्रोविजन या कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये किसमें है, पार्ट 21। और सबसे लास्ट में क्या होगा कि अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो इतना काम कर रहा है उसके बारे में भी तो हमें जानना है, ठीक है। संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैं कौन हूं, 393 में बताया गया है कि संविधान का क्या नाम होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस तरीके से इस ग्रुप के जरिए आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये आर्टिकल 393 से 395, 393 से 395 के बीच में हम संविधान के बारे में देख सकते हैं। तो अगर 22 भाग हैं, इसको अगर स्ट्रक्चर आपको करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट यहां पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले ग्रुप में अबाउट इंडिया, वो सभी आर्टिकल या वो सभी भाग, वो सभी चैप्टर्स जो भारत के बारे में बात करते हैं उनको एक साथ आप क्लब करिए, वो सभी आर्टिकल्स जो भारत के एस्पिरेशंस पर बात करते हैं, भारत के लक्ष्यों पर बात करते हैं, उनको एक साथ क्लब करिए। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ठीक है। वो सभी साधन जिसके जरिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, और उस साधन में राष्ट्रपति से लेकर और जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कहां से आ जाएंगे, पार्ट 5 से लेकर पार्ट 19 तक। और अगर संविधान में कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी, संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कौन सा भाग है, भाग 20, और मिसलिनियस या टेम्प्रोरी इंजेक्शंस जिनको उस समय रखे गए थे या जरूरत के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं, वो किस भाग में आएंगे, भाग 21। और इस तरीके से एक लास्ट ग्रुप बनेगा, ग्रुप एफ, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर अनुच्छेद 393 में दिखाया गया है कि बताया गया है कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। एक बार अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में याद करने के लिए बना सकते हैं।
ठीक है, बनाना है यह हटा दिया जाए, बना लीजिए, इससे याद रहेगा तब आपको खाली। अच्छा आप, अब आप लोग का काम क्या है इसमें, आप लोग का काम है कि आज घर पे जाके बैरेट, सभी के पास में है बैरेट का मतलब समझते हैं, ठीक है, बैरेट का मतलब है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, ये ऐसी एक किताब आती है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग बैरेट एक एक ले लीजिए, ठीक है, इसमें कम से कम आर्टिकल्स क्लियर लिखे रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो 5 से 19 को आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7वें में क्या है, तो याद हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए यूपीएससी कहाँ है। अच्छा 5 से 19 में भी एक वहां पे चीजें हैं, 5 से 19 में भी एक चीज आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं, कुछ मीन्स इलेक्शन के जरिए आते हैं, किसके जरिए आते हैं, इलेक्शन के जरिए, जैसे जो सरकारें हैं वो इलेक्शंस के जरिए आएंगी, और कुछ मीन्स जो है वो कैसे आएंगे, सिलेक्शन के जरिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा पार्ट में इलेक्शन की बात हो रही है, कौन सी सरकार या कौन से लोग इलेक्शन के जरिए आ रहे हैं, और कौन सी सरकार कौन से लोग सिलेक्शन के जरिए आ रहे हैं। और आप लोग ये लिखने के बाद में एक दूसरा वाला पेज छोड़ देना है जहां पे 5 से 19 का बाइफर्केशन आपको खुद घर पे करना है, ठीक है, उसमें देख लेना है कि इलेक्शन प्रोसेस के जरिए कौन कौन सी मीन्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ये सारी चीजें, काउंसिल ऑफ इंडियन मिनिस्टर, सारे अपॉइंटमेंट, खुद प्रेसिडेंट भी इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए आ रहे हैं, तो वो सभी साधन जो, तो वहां पे भी आप इसको बाइफर्केट कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए तो ये थोड़ा सा एक ग्लिम्स था जिसके जरिए आप क्या करते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक समझ। तो 22 भाग, ठीक है, फिर उसमें, अरे 22 पार्ट्स हैं, और फिर उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा लास्ट में फिर कुछ शेड्यूल उसमें ऐड किए गए हैं, सूचियां, लिस्टिंग की गई है। कितनी सूचियां हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना है, 12, ठीक है। मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सूचियां थी, 8, बाद में कितना जोड़ा गया, 4, जरूरत के हिसाब से आर्टिकल, अरे क्या कहते हैं, भाग 20 का यूज करके हमने क्या कर दिया, उसमें संशोधन करके कुछ नई सूचियों को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया, तो थोड़ा सा उसको देख लेना है उसमें सारी चीजें, ठीक है। मेन जो पार्ट्स था वो हमें स्टार्ट करना था किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 393 उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है जिसमें 392 आर्टिकल्स लिखे गए थे, उसमें उन्होंने सीधे बताया है मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना परिचय दिया है आर्टिकल 393 में कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, क्या बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे आप उस आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिलहाल ये ग्लिम्स था, ठीक है। कल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करेंगे उसका जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो क्या है, पहला जो हमें स्टार्ट करना है वो किस पे स्टार्ट करना है, कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पढ़ना है हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो कीवर्ड्स हैं उनकी समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तब तक उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक इन शब्दों का मतलब हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों, अच्छा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से कहां तक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 36 से 51, ठीक है। और इसमें यही बताया गया जो आर्टिकल 36 में कि सेम एज आर्टिकल 12, यानी कि कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एक कीवर्ड है उसके बारे में क्या, स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या है, राज्य के बारे में हमें देखना है। फिर डीपीएसपी के रेफरेंस में एक टर्म जरूर आता है जिसकी बात करते हैं, किस स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की। तो स्टेट में ये वेलफेयर का क्या मतलब है, क्योंकि स्टेट के तो कई रूप दिखते हैं, स्टेट का एक रूप दिखता है लेसेस फायर का, ठीक है, स्टेट का एक रूप दिखता है सोशलिस्ट, जहां पे समाजवादी अप्रोच होता है। तो फिर ये तीसरा कौन सा रूप है, वेलफेयर स्टेट, और हमारा जो स्टेट है वो इन तीनों में से कौन सा है, हमारा स्टेट लेसेस फायर के अकॉर्डिंग है या सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग है या फिर वेलफेयर स्टेट है, ये हमें वहां पे पहले देखना होगा, ठीक है। एक तो स्टेट को समझेंगे, फिर वेलफेयर स्टेट को समझेंगे, फिर दो चीजें हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल ऑफ राइट और डीपीएसपी में एक तरीके से अलग किया गया। कई बार हमें लगता है कि फंडामेंटल ऑफ राइट ज्यादा जरूरी है रादर देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
और कई बार हमें लगेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा जरूरी है रादर देन फंडामेंटल ऑफ राइट, और कई बार लगेगा कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, और इस पर लगातार डिबेट चलते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बेसिक कीवर्ड्स पर बेस्ड है। एक वहां पर कीवर्ड है क्या, जिसका नाम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र, और एक जो वहां पर क्या कहते हैं कीवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो अगर इन चार टर्म्स को आप लोग समझ गए, तो मैंने कल क्या कहा था कि किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो उसका सबसे बेहतर स्तर है कि उस टॉपिक के बारे में आपके पास केवल सूचनाएं ना हो, केवल इंफॉर्मेशन ही ना हो, बल्कि उन टॉपिक के बारे में आपके पास में क्या हो, ओपिनियन। अगर ये चार पॉइंट्स आपको समझ में आ गए आज, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपका खुद का एक ओपिनियन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन क्या कहते हैं शब्दों को हमने समझ लिया, देन हम फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाएंगे। ठीक है, और हम फिर देखेंगे कि आखिर इस आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला जो इसमें कीवर्ड है वो क्या है, स्टेट, और अब हमें स्टेट को समझना है। कोई जानता है, मतलब कुछ बता सकते हैं स्टेट के बारे में? इसमें तो लिखा हुआ है, देख के नहीं बोलना है, कुछ वैसे ही कुछ आप बता दीजिए। इससे पहले कुछ स्टेट के बारे में पता है? राहुल, उत्कर्ष, फंडामेंटल ऑफ राइट पढ़ा है ना आप लोगों ने? अच्छा, मैं आप लोग हमेशा ये जानिए, मैं एक्सपर्ट आंसर की उम्मीद नहीं करता। अगर आप मुझे एक्सपर्ट आंसर दे देंगे तो फिर मेरी जरूरत तो है नहीं। जो आपके दिमाग में है वही बताइए, और दिमाग में लेमैन वाला जो आंसर है, लॉमैन तो हम बनेंगे, जो भी आपके स्टेट। फिर चलिए, ये पॉलिटिकल साइंस का एक डेफिनेशन है, हमें संविधान के रेफरेंस में देखना है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 12 में क्या है स्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, बहुत क्लियर तरीके से वहां पर आर्टिकल 12 में बताया गया है, और ये डिफाइन करता है कि स्टेट एज का क्या मतलब है, इंक्लूड करता है वो, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो विधायिका है, कार्यपालिका है, जो केंद्र सरकार की है, चाहे वो अच्छा, और उसको अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, भारत की सरकार, उसके सभी ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, स्टेट। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी क्या कहलाएंगे, स्टेट। बात समझ में आया? दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारों में जो विधायिका है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी क्या कहलाएंगे, स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई है, तो कहा है कि स्टेट का मतलब ये है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के ऑर्गन्स, राज्य सरकार और राज्य सरकार के ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, स्टेट, विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के हिसाब से। फिर उन्होंने अपने डेफिनेशन में एक शब्द दिया है और कहा है ऑल लोकल अथॉरिटीज, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये भी लोकल अथॉरिटी है, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, पंचायत, चाहे वो जिला पंचायत हो, मंडल पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, इसके जो अधिकारी हैं, जो पर्सन है जो इन चेयर्स को होल्ड करेंगे, वो सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, ट्रस्ट, इस तरीके से स्टेट्यूटरी बॉडीज या नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज, अथॉरिटीज, जिस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फंडिंग है और रेगुलेशन बनाती है, ये सभी संस्थाएं क्या कहलाएंगी, स्टेट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, स्टेट। तो स्टेट की परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो सिंपल सी बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार खुद में स्टेट है, उनके द्वारा कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, वो चाहे फंड कर रहे हो, चाहे रेगुलेट कर रहे हो, चाहे जो भी, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो स्टेट का डेफिनेशन आखिर डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? स्टेट का डेफिनेशन डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट जो प्रोवाइड कराएंगे, आप किससे मांगेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ राइट्स, वो कौन देगा, जो संविधान ने किसको ये जिम्मेदारी दी है, कौन प्रोवाइड कराएगा, स्टेट। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके
जो फंडामेंटल ऑफ राइट है वो आपको क्या हो मिले। और अगर भाई कब आप जाएंगे स्टेट के अगेंस्ट में, जब आपके फंडामेंटल ऑफ राइट का वायलेशन होगा, जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। मतलब जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया है, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, और वहां पर वो कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा एक्ट है जो आपके फंडामेंटल ऑफ राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधे उनके अगेंस्ट में क्या हो क्या कर सकते हैं, उन वायलेशन के बेसिस पर आर्टिकल 32 में तो जा ही सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंदर, और फिर कहां जा सकते हैं 226 में, आर्टिकल 226 में, वो कहां जा सकते हैं हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है स्टेट की डेफिनेशन इसलिए बतानी पड़ी जिससे कि नागरिकों को, सिटीजन्स को यह पता चल सके कि आखिर वो अथॉरिटी कौन है जो हमारे फंडामेंटल ऑफ राइट्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आया? मूल अधिकारों के लिए आपके मूल अधिकारों का इन्फोर्समेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, और उसके लिए बहुत आसान तरीके से वहां पर स्टेट के डेफिनेशन को क्या कर दिया गया, बता दिया गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो फंडामेंटल ऑफ राइट, और इसी वजह से आप देखिए कि फंडामेंटल ऑफ राइट में बताया गया तो अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक 35 तक, और जहां पर आर्टिकल 12 में किसका डेफिनेशन दिया गया है, स्टेट का डेफिनेशन, कि पहले आप जान जाइए कि स्टेट कौन है, किसके अगेंस्ट में ये मूल अधिकार क्या किए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। तो 14 से लेकर 35 तक आपका फंडामेंटल ऑफ राइट कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 से, 14 से लेकर 32-35 तक जो भी अधिकार दिए गए हैं वो किसके अगेंस्ट में होंगे, यहां पर आपके स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, स्टेट क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? इकरा, किसी को? उत्कर्ष, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब जब स्टेट की बात हो रही थी तो वहां पर फिर हमने कहा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कल्याणकारी राज्य, ऐसा स्टेट जो वेलफेयर की बात करे, कल्याण की बात करे। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? तो यहां पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ वेलफेयर स्टेट इज ए स्टेट दैट committed to providing basic economic security for its citizens by protecting them from market risks associated with old age, unemployment, या welfare। तो यहां पर जो welfare state का मतलब यह है कि वो अपने नागरिकों को कुछ सुरक्षा क्या करे, प्रदान करे। कैसी सुरक्षा? जैसे fundamental of right तो आपको मिल गया, वो कहां से मिला, 12 से 35 के बीच में। तो welfare state का क्या मतलब है, क्योंकि भाई वेलफेयर स्टेट में अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग हैं उनके अंदर जो सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिक स्टेटस है क्या समान है, सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या बराबर होता है? नहीं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखें कि जैसे स्वतंत्रता के टाइम पे, यानी कि स्वतंत्रता के पहले क्या गरीबी थी कि नहीं थी, लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज थे या नहीं थे, सोशियो कंसर्न में थे या नहीं था, था अनटचेबिलिटी समाज में था या नहीं था, था, लोग गरीब थे या नहीं थे, थे। तो फंडामेंटल ऑफ राइट तो इंडिविजुअल को तो मिल गया। ठीक है, इंडिविजुअल की बेसिस पर, अच्छा फंडामेंटल ऑफ राइट में दिए क्या गए, फंडामेंटल ऑफ राइट में दिए गए आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लॉ के सामने आपको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा आपको कैसे मिलेगी, अनटचेबिलिटी वहां पर एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन एम्पावरमेंट कैसे आपको मिलेगा, यानी कि अच्छा जो गरीब हैं वो गरीबी से आगे कैसे आएंगे। तो इसका मतलब ये है स्टेट जो अभी फंडामेंटल ऑफ राइट को प्रोवाइड करा रहा था, यानी कि मूल अधिकार को वहां पर प्रोटेक्ट कर रहा था, उसी के साथ में हमें राज्य की एक और भूमिका की जरूरत पड़ेगी जो लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सके। कैसा वेलफेयर? कि उन्हें काम करने का अधिकार मिले। ठीक है, उन्हें मिनिमम वेजेस तो मिले ही मिले काम करने के आधार पे, कि इतना हाँ इतनी सैलरी हो, उनको एक सामाजिक सुरक्षा हो, एक उनकी आर्थिक सुरक्षा हो। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि वो जो स्टेट 12 में था वो ऐसा काम करे जिससे कि उसके देश के नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशियो और इकोनॉमिक, ये दोनों ही सिक्योरिटी क्या हो सके, इंश्योर कर। बात समझ में आया? जहां फंडामेंटल ऑफ राइट क्या करते हैं, इंडिविजुअल आपके अधिकार है, व्यक्तिगत आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन सोशियो जो आपका स्टेटस है, इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उसके लिए आपको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे विमेन है, ठीक है, पैट्रियोटिकल सोसाइटी था, तो विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, आप देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फंडामेंटल ऑफ राइट के स्कीम में आएगा या फिर डीपीएसपी के स्कीम में या वेलफेयर स्टेट के उसमें,
वेलफेयर स्टेट किस में आएगा, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं हैं ये शायद सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। या आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, जनधन योजना जो आया वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है, यानी कि स्टेट को केवल मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के साथ ही वहां पर जरूरी नहीं, स्टेट का एक काम ये भी है कि ऐसे नागरिक जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वंचित है, जिनका लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, उनको भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, एक वेलफेयर, उनके कल्याण की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो जो वेलफेयर स्टेट है ये लोगों के वेलबींग के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। यानी कि अब आपको स्टेट के कितने रोल समझ में आ रहे हैं, दो। एक क्या है, फंडामेंटल ऑफ राइट में उनका जो मूल अधिकार है वो उन्हें क्या करना, देना। दूसरा क्या काम है कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो वंचित समाज से हैं, जैसे ट्राइब्स हैं। आप देखिए ट्रांसजेंडर्स के बारे में, क्या आपने कभी अपने क्लास में ट्रांसजेंडर्स को अपने साथ बैठे हुए देखा है, आज तक कभी, क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ अभी देख रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि वो नौकरियों में वहां पे आ रहे हैं? तो ऐसे सेक्शंस के लिए अगर स्टेट नहीं होता तो ऐसे सेक्शंस के लिए कौन काम करेगा? इसका मतलब ये है कि स्टेट की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए, उनके वेलबींग के लिए भी क्या करे, काम करे। जब स्टेट इस तरीके का काम करता है तो ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं? क्लियर है, यह बात समझ में आ रहा है? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? दो तरीके का और वहां पर स्टेट के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक है लेसेज फेयर का, और एक है सोशलिस्ट अप्रोच का। स्टेट या तो वेलफेयर हो सकता है, स्टेट या तो लेसेज फेयर एटीट्यूड का हो सकता है, या स्टेट क्या हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इंडिया में कौन सा चाहिए आपको। मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आप ही लोग हैं, ठीक है, तो लेसेज फेयर में क्या होगा, लेसेज फेयर में, अच्छा उस टाइम के एरा में ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी स्टेट की सबसे ज्यादा फेमस थी। इसमें क्या होता था, इसमें लेसेज फेयर के कॉन्सेप्ट में कि स्टेट का जो रोल है वो बहुत कम होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर सोसाइटी के मामलों में या इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, खासकर इकोनॉमी के टर्म्स में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो स्टेट होगा, और स्टेट का मतलब वो सरकारें, वो अथॉरिटीज, उनका समाज में जो इंटरफेरेंस है या सोसाइटी में जो इंटरफेरेंस है वो बहुत क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और सोशलिस्ट जो स्टेट की बात हो रही है, यहां पर सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमी है इसका कुछ हिस्सा राज्य अपने पास रखेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब इकोनॉमी का पूरा जो हिस्सा है वो किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा, और वो आवश्यकता के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको जरूरत है उनका। जैसे सोशलिस्ट अप्रोच कहां पे था, रशिया में था, ठीक है, वहां पर क्या है कि स्टेट के पास ही पूरी इकोनॉमी की वहां पर क्या है, चीजें हैं, उसमें जो इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन हैं उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तीन आपको वर्क या वर्किंग बिहेवियर के आधार पर आपको तीन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एक स्टेट ऐसा है जो 12 में अभी हमने देखा, जो वेलफेयर की बात करता है, जो अपने लोगों के कल्याण की बात करता है, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, उनके लिए स्कीम्स की बात करता है, उनकी सोशियो स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करता है, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करता है। अच्छा इकरा आपको जाना है, ठीक है, जाइए, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेट का जो रोल है वो कैसा है, लेसेज फेयर का है, जहां पे स्टेट का जो रोल है वो बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, वो अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे। तीसरा ये है कि जो रिसोर्सेस है उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, स्टेट का है, वो अपने हिसाब से उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। आपको इन तीनों स्ट्रक्चर में स्टेट का कौन सा फंक्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है इंडिया के रेफरेंस में, कौन सा, वेलफेयर स्टेट। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर भारत 1950 की सिचुएशन में, अच्छा ये सब बातें कहां हो रही हैं, ये सब बातें हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अभी हम ये देख रहे हैं कि डीपीएसपी की भूमिका क्या है, डीपीएसपी की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट तो हम दे चुके हैं पार्ट थर्ड में 12 से 35, जो भी अधिकार चाहिए थे एक आदमी के विकास के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के विकास के लिए, वो हमने सब दे दिया है 12 से 35 के बीच में।
इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बेसिस पर मैं सारे बातें कर चुका हूं, अब क्या स्टेट का क्या और क्या रोल बचा है? तो कह रहे हैं भाई स्टेट के रोल में ही है, या तो आप इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, आपका पूरा इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल हो जाए, इस सोशलिस्ट अप्रोच में आ जाइए, आपका जो इंटरफेरेंस है वो रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल हो जाए, या आप इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए वेलफेयर स्टेट के रूप में, जहां पर आप अपने लोगों को, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनके वेलफेयर की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने किस कॉन्सेप्ट को अपनाया है, हालांकि आप लोगों का जो पूरा मानना है भारत को कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डालिए राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, बहुत आराम से, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऊपर से जा रहा है किसी के, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखिए, आर्टिकल 12 डिफाइंस, अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है, अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है आर्टिकल 12 डिफाइंस, नंबर एक, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और संसद, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर दो, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, नंबर दो, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, राज्य सरकार और राज्यों में से प्रत्येक का विधानमंडल, ठीक है, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। नंबर तीन, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अच्छा चूंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलना है, काम आज से आप लोग अपने अंदर डेवलप करिए एक अप्रोच, जब मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो पहली भाषा के लोग उससे पहले जो लिखा गया है उसको जरूर पढ़ें मन में, मुझे मत देखें, ठीक है। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, ठीक है। तो आज के बाद आपसे अगर कोई भी पूछता है कि स्टेट में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र की संसद, राज्य का विधानमंडल और सभी, ऐसा आंख बंद करके बताइए, सभी ऑल लोकल अथॉरिटीज, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। जरूरत क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट के इन्फोर्समेंट का मामला है, और आगे चल के देखेंगे डीपीएसपी में इनका क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि अभी वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, आप लोगों ने बता दिया है कि सर भारत को आप वेलफेयर स्टेट ही बनाइए, हम देखते हैं कि वैसा ही किया गया है या नहीं। चलिए आगे लिखिए, द अबव डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि, द अबव डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि, व्हेन एनीवन अप्रोचेस कोर्ट्स, बिकॉज when anyone approaches courts against the government or authority, जब भी कोई व्यक्ति या संस्था सरकार के खिलाफ न्यायालय जाता है, जब भी कोई व्यक्ति या संस्था सरकार के खिलाफ न्यायालय जाता है, against the government authority, they have to show that, against the authority, they have to show that the agency being challenged is a part of the state. The agency being challenged is a part of the state. न्यायालय जाता है तो उन्हें यह स्पष्ट करना होता है कि, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होता है कि जिस एजेंसी को चुनौती दी जा रही है वह राज्य का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट का इन्फोर्समेंट तभी होगा जब आपका जो वायलेशन है वो किसके अगेंस्ट में है, स्टेट के अगेंस्ट में, या स्टेट आपको, या स्टेट वायलेट कर रहा है। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो स्टेट क्या है और दूसरा यह है कि अगर वायलेशन होता है तो हम कहां जा सकते हैं,
कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एजेंसी कौन सी है, वो अथॉरिटी कौन सी है, और इस बात की समझ के लिए आर्टिकल 12 क्या है इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेट। तो स्टेट का तीन फंक्शन ऐसे आप बना लीजिए, स्टेट तीन तरीके से हो सकता है। एक में लिखिए लेसिफायर, एल ए आई डबल एस ई जेड डैश एफ ए आई आर ई, लेसिफायर हिंदी में लिख सकते हैं अहस्तक्षेपी राज्य, एल ए आई डबल एस ई जेड डैश एफ ए आई आर, ठीक है। उसी के साथ में दूसरे में लिख सकते हैं कैसा स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट। अच्छा, मतलब ये ध्यान रखिएगा ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, या तो लेसेस फायर का कॉन्सेप्ट होगा स्टेट के साथ में, या फिर सोशलिस्ट होगा, या फिर क्या तीसरा क्या होगा वेलफेयर। तीसरा लिखिए सोशलिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे समाजवादी, तीसरा लिखिए वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य। और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा इनके बारे में लिख लेते हैं जैसे कि क्लियरिटी रहे आपको, ठीक है। हेडिंग डालिए लेसेस फेयर स्टेट। Laissez-faire is a French term. Laissez-faire is a French term meaning let go oblique let pass, meaning go जाने दो या छोड़ दो, ठीक है। Let go let pass। लाइसेंस फेयर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है जाने दो या मुक्त करना, ऑब्लिक मुक्त करना, ठीक है। इट इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मार्केट्स ऑपरेट विथ Where the markets operate with minimal government control. मतलब बाजार में जो स्टेट का जो नियंत्रण होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। Where the markets operate with minimal government control. यह एक आर्थिक संगठन का एक स्वरूप है, यह एक आर्थिक संगठन का स्वरूप है जहां बाजार न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ में काम करते हैं, न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ में काम करते हैं। यह एक न्यूनतावादी राज्य होता है, यह एक न्यूनतावादी राज्य होता है। अच्छा, जब आप लोग पढ़ते रहिए तो उसमें देखिए, और कोई ऐसी चीज कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत बता देंगे, ठीक है। फिलहाल बहुत आसान और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे माइंड में तुरंत चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऐसा स्टेट का फॉर्मेशन जिसका मार्केट में जो रोल है वो बहुत ही क्या है, कम है, कंट्रोलिंग, बस काम भर का रेगुलेशन वहां पर काम कर रहे, मार्केट अथॉरिटी पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एक स्टेट का ये भी नेचर है। दूसरा नेचर लिखिए सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य। और ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सब आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि डीपीएसपी की जरूरत क्या है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ राइट से लगभग सारे जो क्या कहते हैं अधिकार थे वो तो आपको मिल गए थे, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे आर्टिकल को, इतने बड़े आर्टिकल को बनाने की जरूरत आखिर क्या थी, ठीक है। स्टेट का एक बार जब हमने रोल डिफाइन कर दिया आर्टिकल 12 में, तो दोबारा 36 में वही बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये एक उसका बेसिस है, एक भूमिका है जिसकी वजह से हम डीपीएसपी की नीड को समझ सके कि आखिर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जरूरत थी क्यों, क्योंकि हम बनना क्या चाहते थे, हम सिर्फ प्रोटेक्शन फंडामेंटल ऑफ राइट का नहीं करना चाहते थे, हम उसके साथ में ऐसे स्टेट बनना चाहते थे जो लोगों की वेलफेयर की बात करें। एज ए डीएम, एज ए जज, आप लोग किस तरह से काम करेंगे, ना सिर्फ फंडामेंटल ऑफ राइट को ही प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि आप लोगों के वेलबींग के लिए भी काम करेंगे, इवन ज्यादा आपका जो काम होता है वो किसका होता है, लोगों की भलाई के लिए। चलिए, क्या लिखा आपने, सोशलिस्ट, लिखिए सोशलिस्ट स्टेट इज वेयर द स्टेट ओन्स ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, द स्टेट ओन्स
ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉर द पब्लिक गुड. द स्टेट ओन्स ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉर द पब्लिक गुड. हल्का सा एक आइडिया आपको पास है कि सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है. समाजवादी राज्य वह है जहां जनता की भलाई के लिए. समाजवादी स्टेट वह है जहां जनता की भलाई के लिए अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा रखता है. अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा या अर्थव्यवस्था में हिस्सा, ठीक है, ये सोशलिस्ट स्टेट है. तीसरा वेलफेयर स्टेट. लाइन को सोशलिस्ट स्टेट इज वेयर द स्टेट ओन्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉर द पब्लिक गुड. गुड या पब्लिक वेलबींग या गुड, ठीक है. समाजवादी राज्य वह है जहां जनता की भलाई के लिए अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा रखता है. तीसरा लिखिए वेलफेयर स्टेट, और इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब समझना है. वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य. द वेलफेयर स्टेट इज वन वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर rests with the state. Social welfare rests रखता है rests with the state. कल्याणकारी राज्य वह है जहां सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की. सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है. इट सीक्स टू गिव, अब सामाजिक कल्याण का क्या मतलब है वो लिखना है. इट सीक्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द जॉबलेस. कॉमा रिमूव पॉवर्टी, यह बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबी हटाना. इट सीक्स टू गिव, आप लोग को चाय तो नहीं चाहिए ना, लिखते रहिए. इट सीक्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द जॉबलेस कॉमा रिमूव पॉवर्टी, यह बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबी हटाना. प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना. टेक केयर ऑफ वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. महिलाओं की देखभाल करना तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों की देखभाल करना. क्या लिखा है इंग्लिश में, और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन लाइक एससी एसटीज इन इंडिया कॉमा इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस एंड सो ऑन. जैसे भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना. डिस्ट्रीब्यूशन या वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना मतलब जो है कि जो धन का कंसंट्रेशन है वो किसी एक जगह ना हो, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फॉर्मली सबके ऊपर हो, सबके पास में इतना हो कि वो अपने लाइफ को क्या कहते हैं आर्थिक रूप में एक सही तरीके से क्या कर सके, जी सके. तो आपने क्या देखा, क्या इंश्योर कर रहा है वेलफेयर स्टेट, क्या क्या इंश्योर कर रहा है. देखिए पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट टू द जॉबलेस. क्या करेगा, जो जिनके पास रोजगार नहीं है उनको क्या इंश्योर करेगा, रोजगार देना. और क्या है, गरीबी को हटाने जैसा काम है. सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो सोशल सिक्योरिटी के परव्यू में आती हैं तो वो आपको प्रदान करना, ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है. जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वंचित लोग हैं, जैसे विमेन, पहले विमेन क्या कहते हैं वेलफेयर की बात हो रही थी, फिर बाद में अब किसकी बात हो रही है, एम्पावरमेंट की बात हो रही है. अदर जो मतलब पिछड़े लोग हैं,
ठीक है, ट्राइब्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एजेस हैं, तो इनका जो टेक केयर करना, इनकी जो नीड है उसको जो फुलफिल करना, ठीक है। और इस तरीके से जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन किसी के पास ना जाए, ठीक है, किसी एक, मतलब यह है कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए, इस चीज को भी क्या करना, इंश्योर करना। और ये काम किसका है, एक वेलफेयर स्टेट का क्या है, काम है। और ये हर एक सिटीजन ये अपेक्षा भी करता है, उसके एस्पिरेशंस भी होते हैं कि इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उसको क्या हो, मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस प्रकार सो स्टेट इंश्योर्स, स्टेट इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। स्टेट इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। इस प्रकार राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करता है, सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन और संवर्धन, प्रमोशन को क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। ये काम किसका है, ये कैसे स्टेट का काम है, वेलफेयर स्टेट का। लेसेस फेयर में क्या हो रहा है, बहुत मिनिमल वहां पर क्या है, इंटरफेरेंस है। सोशलिस्ट में वो क्या कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी है वो किसके हाथ में है, स्टेट के पास में, वो उसी हिसाब से नेसेसिटी की बेसिस पर क्या करते हैं, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर देख रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा होगा कि क्या अप्रोच होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या अप्रोच होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या अप्रोच होता है, और हमने कौन से इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया, मिक्स इकोनॉमी के उसमें, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट का था। तो दो डेफिनेशन तो हमने देख लिया, चार डेफिनेशन थे, पहला कौन सा देखा, स्टेट का डेफिनेशन देख लिया, दूसरा हमने क्या देखा, वेलफेयर स्टेट। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अभी डीपीएसपी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो अभी से दूर रहिए। चलिए, दो छोटे छोटे शब्द और थे, एक था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब है, इस शब्द से क्या समझ रहे हैं, कुछ भी जो लिखा हुआ है, अच्छा डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, मतलब जो भी जो आपने अभी तक सुन रखा है वही जो लाइन जो सबसे मतलब फेमस है, कुल मिलाकर जनता का शासन, जनता का शासन अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, ये सारी चीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब है, कि वो सभी डिस्कोर्स उसके अंदर आएंगे जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, पॉलिटिकली अधिकारों की बात करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी भी रिलीजन को मानने का जो वहां पे राइट है, ठीक है, वॉइस ऑफ कंसेंट, जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, अगर मान लेते हैं किसी एक सेक्शन को, किसी एक कम्युनिटी को सरकार में भागीदारी नहीं है, तो ये उनके कौन से अधिकारों का उल्लंघन है, ये उनके पॉलिटिकल राइट्स का क्या है, वायलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहां पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनका इंश्योर होने, यहां पे कि वो अपनी बात कह सकें, गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो सके। अच्छा, सरकार में पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर होगा, कैसे इंश्योर होता है, वोट के जरिए, कैसे वो इंश्योर करते हैं, वोट के जरिए तो आप इंश्योर करते हैं, है ना, सबको वोट देने का अधिकार। तो देखिए, हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 18 साल के बाद जितने भी नागरिक हैं उनको क्या होना, वोट देने का अधिकार है। इन सब बातों से, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से एक बात तो श्योर हो जा रही है कि आपको राजनीतिक अधिकार तो मिल चुके, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वो सभी डिस्कोर्स की हम बात करते हैं जो हमारी राजनीतिक जो एस्पिरेशंस है उनका फुलफिलमेंट होता है। लेकिन जब हम सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे सामाजिक और आर्थिक जो हमारे एस्पिरेशंस हैं उसके बिल्डिंग की बात होती है। बात समझ में आ रहा है भाई, हमारे सामाजिक एस्पिरेशंस क्या है, हम समाज से क्या चाहते हैं,
क्या चाहते हैं आप सोसाइटी से, क्या चाहते हैं? रेस्पेक्ट, ऑनर, भाई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आपको एम्पावर मिले, ठीक है, आपसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटस का जो बात है, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आप क्या चाहते हैं कि आपको भी अवसर मिले जिससे भी आप आर्थिक रूप से क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो आप देखिए कि अगर आप प्रियम्बल को देखें, अगर प्रियम्बल का यहाँ पर वो होगा तो मैं आपको, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो यहाँ पे जस्टिस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जस्टिस, जस्टिस की बात की गई है। और कैसी जस्टिस की बात की गई है? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सरकार बनाया है, यानी कि पॉलिटिकल हमें जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक एस्पिरेशन है वो हमें मिलने चाहिए। क्या हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? कि सरकार में मेरी भागीदारी होनी चाहिए। है आपका भागीदारी? है। कैसे? वोट के जरिए आप सरकार में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर सरकार अपनी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप उनके खिलाफ वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वहां पर चीजें हैं, जो पॉलिटिकली एस्पिरेशंस हैं, वो आपको यहां मिल रहा है। इसी प्रकार जो हमारी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं, वो भी हमें जस्टिस, वो भी हमें मिलने चाहिए। और जो हमारे सोशल एस्पिरेशंस हैं, वो भी हमारे फुलफिल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, एक्चुअली यही पार्ट थर्ड में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल वहां पर C2 तक। क्या? क्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, मतलब मुझे कानून के समक्ष वहां पर क्या हो, समानता की बात हो। 14 से लेकर वहां पर 35 तक हमारे जो एस्पिरेशंस को फुलफिलमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? पॉलिटिकल। लेकिन दो चीजें छूट रही थी, वो कौन सी चीजें छूट रही थी? सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग। हम सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो उसमें पिछड़े हुए हैं, उसकी मजबूती के लिए कैसे चीजें करेंगे, तो वहां पर फिर हमें क्या करना होगा, उस मजबूती पर भी काम करना होगा, क्योंकि प्रियम्बल में ये भी दिया गया है, जस्टिस की बात हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो एक स्टेट है जिसका फंक्शन तीन तरीके से हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हम तीन तरीके के जस्टिस आपको देंगे। कैसा? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। बात समझ में आ रहा है? और उसने ये इंच कर दिया है पार्ट थर्ड के जरिए, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फंडामेंटल ऑफ राइट, कि आपको जो जो आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वो सारे फुलफिल यहां पर हो रहे हैं। अगर आप जिस धर्म को मानते हैं उसको मानने को अधिकार है, दिया गया है, ठीक है। आपको स्पीच एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, दिया गया है, ठीक है। आप खुद के कल्चर को, खुद की चीजों को प्रिजर्व करके करना चाहते हैं, दिया गया है। कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, विरोध करने का आपका अधिकार वहां पर दिया गया। सारी चीजें आपको वहां पर, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आपको क्या हुई है, दी गई है। यानी कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे वो तो फंडामेंटल ऑफ राइट के जरिए कंप्लीट हो गए, लेकिन देश की स्थिति थी, जो देश का जो सिचुएशन था वो शायद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बेसिस पर कंप्लीट नहीं होता। देश की सिचुएशन क्या था 1950 में, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? 1950 के आसपास में अगर इंडिया में देखें तो क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था, सामाजिक भेदभाव था या नहीं था? था। जो लोगों के बीच में क्या कहते हैं, अमीर और गरीब का अंतर था या नहीं था? था। इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में डिस्पैरिटी थी या नहीं थी? और तीसरा जो चीज है कि लोगों को वो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जिसके जरिए वो अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर पॉलिटिकली कर। तो ये तो हमने फुलफिल कर दिया किसके जरिए, फंडामेंटल ऑफ राइट के जरिए। लेकिन इन दोनों की भी इंश्योर है, यानी कि हमें सोशियो और इकोनॉमिक जो हमारा जस्टिस है, या सोशियो और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है, उसको भी हमें करना है वेलबिंग। क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो वेलबिंग की बात होगी वो कहाँ होगी, जब तक उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी या उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। कई बार ये होता है कि आखिर फंडामेंटल ऑफ राइट तो बेसिक आप राइट्स हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन डीपीएसपी की नीड क्यों है? क्योंकि डीपीएसपी की जो नीड आ रही है वो किसकी बात आ रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग की, ठीक है। वेलफेयर को तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ राइट तो आपने पढ़ लिया,
देख लिया वहां पे। अब जब सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की बात रही है तो दो लोगों की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल पर्सन की ठीक है जो व्यक्तिगत एक व्यक्ति है, और दूसरा जो बात आ रहा है वो किसकी आ रही है सोसाइटी की। किसकी बात आ रही है सोसाइटी की। हम किसको वहां पर फोकस करें, इंडिविजुअल पर्सन को फोकस करें या किस पर फोकस करें सोसाइटी पर फोकस। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो फ्रीडम की बात हो रही है, इंडिविजुअल आदमी क्या चाह रहा है, और एक तरफ सोसाइटी में किसकी बात हो रही है, तो हम फोकस किस पे करें, इंडिविजुअल व्यक्ति पर फोकस करें या सोसाइटी पर फोकस करें। किस पर फोकस करें, स्वतंत्रता पर या मानता पर। ठीक है, अच्छा इंडिविजुअल पर अगर फोकस करते हैं तो एक चीज आती है उदारवाद की, लिबरलिज्म की, जिसको जॉन लॉके ने दिया था। ठीक है, अभी देखेंगे उस थ्योरी के बारे में, जो किसको इंपॉर्टेंट मानते थे समाज और व्यक्ति, क्या कहते हैं उसमें पर्सन में किसको इंपॉर्टेंट मानते थे, व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि समाज में क्या है, व्यक्ति क्या है महत्वपूर्ण है, जॉन लॉके का मानना था। और उन्होंने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उदारवादी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो फोकस पॉइंट होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, व्यक्ति। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो व्यक्ति को मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें ये मिलना चाहिए। और इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि समाज ही जो होगा वो व्यक्ति के हितों का, यानी जो सोसाइटी है इस इंडिविजुअल व्यक्ति के हितों का यानी इंटरेस्ट को पूरा करने का एक मींस है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि सोसाइटी जो है इनके हिसाब से कि व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी केवल साधन है इसके हित को पूरा करने का। ये बात क्लियर हो रहा है, यानी कि व्यक्ति जो है एक सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके राइट्स फोकस करना ज्यादा महत्वपूर्ण। समझ में? ठीक है, तो अगर हम जॉन लॉके को मान लेते हैं तो वो किस पर फोकस कर रहे हैं, पर्सन पर, और वो पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार की बात कर। लेकिन सोसाइटी क्या कह रही है, समाज इस थ्योरी के हिसाब से ये किसको फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी को, जो इसको मानने वाले लोग हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल है, मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, सामाजिक प्राणी है। और कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि इस सोसाइटी में जो ये जो रह रहे हैं तो यहां पर हमें सोसाइटी को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन कई सारी बेसिस पर है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, भाई सामाजिक भेदभाव भी है और आर्थिक असमानता भी है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, और ये पूरे समाज को फोकस करके बोल रहे हैं, समाज को समान बनाने की बात हो रही है। तो दो थ्योरीज हमारे सामने हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर आ रहा है और एक कम्युनिटी को लेकर, सोसाइटी को लेकर। बात समझ में आ रहा है?
अब स्टेट किस पर फोकस करे, इंडिविजुअल पर्सन पर फोकस करे या सोसाइटी को फोकस करे? इस पर फोकस करेगा इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे तो असमानता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप देखिए कि भाई रिवोल्ट क्यों हुआ अंग्रेजों से, हमने विद्रोह क्यों किया, हमने उनके शासन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे थे कि उनकी कोई भी पॉलिसीज, कोई भी नीतियां ऐसी नहीं थी जो हमारे बेलविंग यानी कि हमारे बेहतरी के लिए हो। लगातार एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, जो असमानता है वो लोगों के बीच में क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो जब समाज में असमानता बढ़ता जाएगा, जब समाज में वहां पर असमानता बढ़ता जाएगा, और अगर आप खाली इंडिविजुअल पर्सन को फोकस करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, रिवोल्ट हो जाएगा। तो अब ये बैठा हुआ है यहीं पे, वो कह रहा है कि भाई फोकस किस पे करें, इस पे या ठीक है। अच्छा, इसमें भी जब फोकस कर रहे हैं, दो तरीके की थ्योरी निकल के आ रही है। कार्ल मार्क्स का नाम है, वो आ गए, वो कहे कि असमानता तो समाज में होनी ही नहीं चाहिए, गरीब अमीर कुछ नहीं। और उन्होंने कहा नहीं दोगे कैसे लेंगे, छीन कर। कह रहे हैं कि हिंसात्मक कैसे लेंगे, कार्ल मार्क्स और ये सारे लोग आ गए, लेनिन, क्योंकि सोसाइटी भाई इंडिविजुअल सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में ही इंडिविजुअल, तो दोनों चीजें हैं, इस पर फोकस कर देंगे तो ये मिलने चाहिए। जॉन लॉके का थ्योरी है, ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में आप इनइक्वालिटी लगातार बनी रही तो फिर रिवोल्ट हो जाएगा, आप कभी उसको सही कर ही नहीं पाएंगे। और एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसे भी आप देखिए माओवाद नक्सलवाद सब इसी बराबरी की तो बात कर रहे हैं, उसी बराबरी की तो बात कर रहे हैं, ये उसकी बात आ गई। अब बड़ी दिक्कत, फिर एक थ्योरी डेवलप हुई फेबियन सोशलिस्ट की, फेबियन ब्रिटिश में आसपास समाजवाद, ये भी इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वालिटी की ही बात कर रहे थे। एक तरफ तो वो लोग थे मार्क्स वगैरह जो भी इनइक्वालिटी को कैसा इक्वलिटी के बेसिस पर लाना चाहते थे कि स्टेट के अगेंस्ट क्या करके, हाँ वो भी हम एक्शन लेके शस्त्र का प्रयोग करके। लेकिन उसी में इसी विचारधारा को मानने वाले एक ऐसा धड़ा भी था जो इनमें डेवलप हो रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, फेवियन सोशलिज्म। वो शांतिपूर्ण तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वैधानिक तरीके से समानता की बात कर रहे थे। खासकर इसका जो इंपैक्ट दिख रहा था, खासकर वो किस पे दिख रहा था, नेहरू के ऊपर दिख रहा था, उस समय जो सबसे बड़े लीडर थे। वो फेवियन जो समाजवाद है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसमें सब डिसिप्लिन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिक तरीके से समाजवाद को बढ़ाने की बात हो रही थी, समानता को बढ़ाने की बात हो रही थी, वो उसको फेवर कर रहे थे। तो एक तो दो ऑप्शन है, अगर सोसाइटी को करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें एक तरीका। तो आप देखिए भारत में नक्सलवाद है कि नहीं है, अभी भी कुछ तो इस बात को नहीं मानते, वो इसको मानते हैं, ऐसा अभी है, ऐसी विचारधाराएं भी हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर लें ऐसे, एक तरफ तो महत्वपूर्ण है, एक तरफ क्या महत्वपूर्ण है, समाज, व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, जॉन लॉके कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति उसकी विकास की बात होगी, वही संसाधन बनेगा, उसी से डेवलप करेगा, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का के वेलबींग होगी, क्योंकि सोसाइटी में ही असमानता है, तो स्वतंत्रता और समानता के बीच में ये दोनों लड़ाई चल रही है। बताइए स्टेट क्या करे, क्या करे, थोड़ा सोचिए, आप लोग दिमाग लगाइए। मैं अभी तो हम लोग पूछिए, आप लोग अपने आप को समझिए कि आप लोग संविधान समाज बैठे हुए हैं, अभी हम फंडामेंटल ऑफ राइट बना चुके हैं, किस पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है अभी, उस पर बात नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या चल रहा है। इस वन की बेसिस पर हमने यहाँ पे बात की कि ठीक है, हमें दोनों अप्रोचेस को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या दिया, इसके सोल्यूशन के लिए क्या दिया,
और इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या दिया, इसीलिए जो डीपीएसपी के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसमें सुस्मिष्ट जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा वहां पर दिख रही है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भी आइडियोलॉजी के बेसिस पर, फेबियन सोशलिस्ट को खाली नेहरू नहीं मानते थे, फेबियन सोशलिस्ट को गांधी जी भी एक्सेप्ट करते, उनकी विचार सर्वोदय का अंत्योदय का ये जो है कि जो वंचित लोग हैं वो भी हैं, तो ये विचारधारा इंडिया ने क्या नहीं एक्सेप्ट किया या क्या चीजें नहीं हुई, ये तो ये चीज फेबियन वहां पर सोशलिज्म दिखने की कोशिश हुई, ठीक है। और इस बेसिस पर ये जरूरत फील हुआ कि एक तरफ हमें पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ उस इनइक्वालिटी को भी दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जो लोगों के वेलबींग के लिए हो, जो असमानता को दूर करे, ना सिर्फ स्वतंत्रता की होगी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की, बल्कि हमें सोसाइटी में भी क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब है सामाजिक स्तर पर जो असमानता है और आर्थिक स्तर पर जो असमानता है, उन दोनों इनइक्वालिटीज में क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ ऐसी नीतियां यहां पर क्या करनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट आए यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं जॉन लॉके ने क्या कहा था, जॉन लॉके का क्या मानना था, फिलोसोफर थे, ठीक है, इनको क्रेडिट दिया जाता है विथ फाउंडिंग लिबरलिज्म एज ए डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्गुइंग दैट ईच मैन का मतलब एवरी इंडिविजुअल, ईच मैन हैज अ नेचुरल राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट मस्ट नॉट वायलेट राइट। ये किसकी बात कर रहे हैं, चलो इन नेट से लगर बात किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स की। और ये जो राइट्स दिख रहे हैं ये कौन से राइट्स अभी तक आपने देखे हैं अपने यहाँ पे, फंडामेंटल बात समझ में आया, ये चीजें समझ में ठीक। और इसी तरीके से अगर फेबियन को देखें तो द फेबियन सोसाइटी इज ए ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पस इज टू एडवांस द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, या इस तरीके से एफर्ट्स लगाए जाए जो लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी हो वो क्या कर सके, कम कर सके, लोगों के बीच में असमानता को कम कर सके। इस तरीके से हमारे पास में एक तरफ इंडिविजुअल पर्सन की तरफ जाने का फोकस और एक तरफ क्या था कि सोसाइटी को देखने की बात वहां पर रही थी। थोड़ा सा लिख लीजिए इस बात को, हेडिंग डालिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंप्लाइज दैट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंप्लाइज दैट ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल, राजनीतिक लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, ऑल द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, कॉमा इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, कॉमा इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच, आप लोग तो पढ़ते रहिए, सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच और शासन में समान भागीदारी होनी चाहिए एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नेंस, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात, ठीक है। इसमें बहुत सारे राइट्स आप एंड एंड करके जोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा लिखिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी,
सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी एक तरफ और एक तरफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ऐसे तीर लगा के लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेफिनेशन ये सब आपके समझने के लिए है, ये डेफिनेशन कभी आएंगे नहीं, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी मतलब सामाजिक लोकतंत्र, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। तो सामाजिक लोकतंत्र की सोशल डेमोक्रेसी में इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। दूसरा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्थिक लोकतंत्र, बस इसमें छोटा सा लिख लीजिए डैश, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का आर्थिक लाभ या आर्थिक भलाई, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने देख लिया कि तीन तरीके की बात हो रही थी, तीन चीजों की बात हो रही थी, ठीक है। किसकी किसकी बात हो रही थी, एक तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही थी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, ठीक है। दूसरा किसकी बात हो रही थी, सोशल, और तीसरा किसकी बात हो रही थी, इकोनॉमिक, ठीक है। पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी या इसकी जो एस्पिरेशन थे वो हम कहां से पूरा कर दिए, कौन सा पार्ट लाके, फंडामेंटल ऑफ राइट 12 से 35 के बीच, और इस को पूरा हमने कहां से किया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और किस कॉन्सेप्ट पर किया, कि स्टेट जो है वो कैसा स्टेट है, वेलफेयर स्टेट, स्टेट क्या स्टेट है, वेलफेयर, क्योंकि इंडिया ने ना इंडिविजुअलिटी पर फोकस किया केवल और केवल, और ना ही सोशियो और इकोनॉमिक, सोशलिस्ट अप्रोच होता है, इंडिया ने क्या किया, मिक्स अप्रोच। तो अभी तक आप लोग इकोनॉमी नहीं पढ़ते थे कि ना कैपिटलिस्ट की तरफ गए ना सोशलिस्ट की तरफ गए, किस पे आ गए, मिक्स में। तो बेलवी की बात यानी जस्टिस की बात में भी हमने कैसा अप्रोच अपनाया, मिक्स अप्रोच, जहां पे इंडिविजुअल जो पर्सन है उन पर भी फोकस की बात है, और जहां पर किन की बात हो रही है, जो सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है, वो भी वहां पर दूर करने की बात हो रही थी। और इस प्रकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी नीड या वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण, इसी वजह से पार्ट फोर बनाए। अब समझ में आए, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए, और फिर कल से हम लोग डीपीएसटी स्टार्ट करेंगे। लिखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु, तथ्य तो नहीं है, कुछ बिंदु ही है, इतना जितना आज आपने पढ़ा है, इसमें किसी को समस्या है अभी तक, कोई समस्या किसी को, उत्कर्ष कोई प्रॉब्लम नहीं, संस्कृति ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन द इंडियन स्टेट, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, अब आ जाएगा ना, भारतीय राज्य में दोनों आइडियोलॉजी आ जाएगी, कौन सा, आइडियोलॉजी भी आ जाएगी जो जॉन लॉके ने दिया था, और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आ जाएगी जो फेबियन सोशलिस्ट, क्योंकि नेहरू का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आ जाएगा, तो मिक्सचर हो जाएगा। तो लिखिए देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य में, और यहाँ पर राज्य का मतलब वही है, जैसे मैं राज्य का नाम लूँ वही तीन पॉइंट्स आपको आ जाने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। भारतीय राज्य में उदारवादी तथा समाजवादी दोनों विचारधाराओं का सम्मिश्रण, उदारवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराओं का क्या है, सम्मिश्रण। पॉइंट टू, लिबरलिज्म सपोर्ट्स इंडिविजुअल पर्सन,
इंडिविजुअल पर्सन एंड फ्रीडम। उदारवादी व्यक्ति और स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लिबरलिज्म इंडिविजुअल पर्सन एंड फ्रीडम, वेयर एज सोशलिज्म समाजवादी में क्या होगा, समाजवादी वो किस पर फोकस कर रहा है, सोसाइटी पर। लिबरलिज्म किस पर फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल पर। वेयर सोशलिज्म प्राइवेटाइजेस सोसाइटी, वेयर इज सोशलिज्म प्राइवेटाइजेस सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल, एंड क्वालिटी ओवर द एंड इक्वलिटी ओवर द फ्रीडम। समाजवाद व्यक्ति की तुलना में समाज को और स्वतंत्रता की तुलना में समानता को प्राथमिकता देता है। सोशलिज्म समाजवाद व्यक्ति की तुलना में समाज को और स्वतंत्रता की तुलना में किसको देता है, समानता को, इक्वलिटी को क्या कहता है, प्राथमिकता देता है। बैलेंसिंग ऑफ दीज टू कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज is a difficult task. Balancing of these two conflicting values is difficult task. एक तरफ व्यक्ति एक तरफ समाज दोनों। आप लोगों का सबसे गुस्सा किस पे आता है, जिस दिन ये नहीं कर सकते चार लोग क्या कहेंगे, तो किस पे गुस्सा आता है, ठीक है। कभी आपके इंटरेस्ट सोसाइटी से भर जाते हैं और कभी सोसाइटी कहती है नहीं करना चाहिए, तो उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज है ना, व्यक्ति और सोसाइटी, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ दिस टू कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज इज अ डिफिकल्ट टास्क। इन दोनों परस्पर विरोधी मूल्यों में संतुलन स्थापित करना कठिन कार्य है। दोनों परस्पर विरोधी मूल्यों में संतुलन स्थापित करना कठिन कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पांचवा, चौथा, फोर्थ। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन इंडिया, in view of prevailing poverty in India, भारत में व्याप्त गरीबी को देखते हुए, in view of the prevailing poverty in India, comma, it is necessary to adopt socialist ideology. It is necessary to adopt socialist ideology. भारत में व्याप्त गरीबी को देखते हुए समाजवाद कुछ अपनाना स्वाभाविक है, क्योंकि गरीबी को दूर करने का मतलब है कि आर्थिक जो असमानता है उसको दूर। तो ये भारत की मजबूरी ही थी 1950 में, या जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम संविधान की बात कर रहे थे कि हम इंडिविजुअल बेसिस पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में स्थिति इस तरीके से है कि लोगों के बीच में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करें ही करें, तभी डिफरेंसेस को हम क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम the Constituent Assembly gave importance to the freedom of the individual. लेकिन यह भी जरूरी था कि एक एक, एक individual व्यक्ति की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण थी, ये आप वायलेट नहीं कर सकते। But the same time the Constituent Assembly also gave the importance of the freedom of the individual. पर संविधान सभा ने स्वतंत्रता को भी महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हूज आइडियाज पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हूज आइडियाज most of the provision of constitution have been derived. Pandit Jawaharlal Nehru jinke vicharon par hamare samvidhan ke adhikarsh pravadhanon ko laya gaya hai. Jawaharlal Nehru on whose ideas most of the provision of constitution have been derived. Pandit Jawaharlal Nehru jinke vicharon par hamare samvidhan ke adhikarsh pravadhanon ko kya kiya gaya hai, laya gaya hai. Considered both considered both freedom and equality
फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी नहीं है, क्या है, पूरक है। लाया गया है स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते थे, जब पूरक मानते हैं ठीक, वर कर लीजिए जहां पे आपने आर लिखा है ना उसको वर कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट फाइव सिक्स सेवन, पॉइंट नंबर सेवन जो भी है, नंबर सिक्स है ना। चलिए तो अभी तक क्या था, जो नेहरवान थॉट था जिनके थॉट के बेसिस पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के जो प्रोविजंस थे वो भी इस बात को मानते थे कि फ्रीडम और इक्वलिटी ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं, इसलिए दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल भी महत्वपूर्ण है, इंडिविजुअल की फ्रीडम भी महत्वपूर्ण है, बट जो इनइक्वालिटी है उसको भी दूर करना हमारी क्या नेसेसिटी है, क्योंकि हमारे देश में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। इन लिबरलिज्म, इन लिबरलिज्म इसको कौन कहा था, जॉन लॉके। इन लिबरलिज्म सिविल राइट्स लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, उदारवाद में नागरिक अधिकार जैसे कानून के समानता, इन लिबरलिज्म सिविल राइट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, उदारवाद में नागरिक अधिकार जैसे कानून के समक्ष समानता, कॉमा राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति अधिकार, और ये व्यक्तिगत जो अधिकार है ना ये सब, संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी कॉमा राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार कॉमा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जीवन का अधिकार, वाणी की, वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कॉमा इज प्रोमिनेंट, इज प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख है, प्रोमिनेंट ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख है। एक बार इस लाइन को पढ़ने देखिए समझ में आ रहा है, लिबरलिज्म सिविल राइट्स लाइक इक्वालिटी फॉर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पर क्या है, क्या प्रोमिनेंट है, सारी चीजें प्रोमिनेंट है उदारवाद, ठीक है। चलिए, whereas in socialism these rights are not so important, वहीं समाजवाद में ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण नहीं है, these rights are not so important, सोशलिज्म सोसाइटी को मानता है वो इंडिविजुअल राइट को उतना वैल्यू नहीं देता है, दीज राइट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर गिवन, लाइक सोशल और इकोनॉमिक राइट्स में कौन कौन से आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कुछ एग्जांपल, राइट टू वर्क, आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिया गया है या देते हैं सोसाइटी में, जैसे राइट टू वर्क काम करने का अधिकार, और क्या आएगा, राइट टू सफिशिएंट फूड पर्याप्त भोजन का अधिकार, इसमें सब आ जाएगा, एजुकेशन हेल्थ जो भी आप इसमें रख, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन लिख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य कॉमा सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। Now the conclusion point, conclusion. पूरी क्लास का कंक्लूजन क्या है, देखिए कंक्लूजन, सिविल राइट्स the फंडामेंटल राइट्स आर मेनली गिवन इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकार नागरिक अधिकार या मूल अधिकार मुख्य रूप से संविधान के भाग तीन में दिए गए हैं,
सिविल राइट्स ऑब्लिक फंडामेंटल राइट्स आर मेनली गिवन इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड provision of social and economic rights and provision of social and economic rights has been made in part 4 of constitution. आर्थिक और सामाजिक अधिकार संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं. And provision of social and economic rights are has been made in the core of the constitution. ठीक है, namely नाम से part 4 directive principle of state policy. लिख लीजिए राज्य के नीति निर्देशक. ठीक है, और फिर next heading डाल लीजिए directive principle of state policy राज्य के नीति निर्देशक. ठीक है, और कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को कल से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आज की क्लास में आपने समझा क्या कि व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. कई बार हमें लगता था कि फंडामेंटल ऑफ राइट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बहुत ज्यादा वहां शायद रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन आपने देखा कि प्रीएम्बल में ही जिस जस्टिस की बात की जा रही थी, जिस पॉलिटिकल सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही थी, एक्चुअली में का फुलफिलमेंट तभी हो सकता था जब हम ऐसा कोई प्रोविजन बनाते जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता, जो ऐसे प्रोविजंस की बात करता, ऐसे उपबंधों की बात करता जहां पर जो सिटीजंस हैं उनके सोशल वेलबींग की बात होती, उनके सोशल एम्पावरमेंट की बात होती, उनके सामाजिक सशक्तिकरण की बात होती, और उसके साथ साथ ऐसे प्रोविजंस वो लेके आते जो उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की क्या करते बात है. फंडामेंटल ऑफ राइट से केवल पॉलिटिकल जो उनके अधिकार थे, पॉलिटिकल जो राइट्स थे वो तो फुलफिल हो जा रहे थे, लेकिन जो डिस्पैरिटी थी, जो अनइक्वालिटी थी समाज में, उस असमानता को दूर करने के लिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसी कई सारी चीजें वहां पर क्या करना था, लाना था. ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा एक चीज और भी है कि थोड़ा सा स्टेट दो चीजों को देख रहा है, एक तो फंडामेंटल ऑफ राइट देख रहा है और दूसरा क्या देख रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में कैसा राइट है, नेगेटिव. कैसा राइट है, वो स्टेट को नहीं देना है, वो ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इन बेसिस पर नहीं करेंगे, इतने दिन तक जेल में नहीं रह सकते, घंटे तक वहां पहुंचा देंगे. कोई आपको इतना मतलब समझा इसको नकारात्मक, मतलब ये चीज उनको क्या करना है, करना ही करना, क्या नहीं करना है वो मुझे किसने बता दिया गया, नागरिकों के रेफरेंस में क्या करना है वो कहां बता दिया गया, क्या आप कर सकते हैं? तो करेंगे क्या आप स्टेट करेंगे, क्या कहते हैं, कौन सा अभी तक यूज किया गया है, वेलफेयर स्टेट का, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग. और अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा, यहां नहीं करेंगे तो क्या होगा, हा? तो इसका पनिशमेंट मिलेगा ना, फंडामेंटल ऑफ राइट नहीं देंगे तो पनिशमेंट मिलेगा ना, कहां कहां मिलेगा, एक तो किसमें और दूसरा 226 में, 32 का मतलब आर्टिकल 32 में आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 में कहां आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट, स्टेट के अगेंस्ट, कौन स्टेट है, वही तीन लोग, बात समझ में. अगर वो ये नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो, और अगर ये नहीं दिए तब तो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे. ओहो, इलेक्शन, सरकार को क्या कर देंगे, स्टेट को क्या कर देंगे, चेंज. ये अगर सोशियो और इकोनॉमिक वेलबींग काम अगर नहीं होगा तो हम सरकार को क्या कर देंगे 5 साल के बाद, ये है कॉन्स्टिट्यूशन. 5 साल बाद भाई दूसरी सरकार कब आएगी, 5 साल, या तो आप राजनीति करके दल बदल करके इधर उधर जोड़ उड़ के इनको भगा के उनको भगा के सरकार गिरा दो, तो सरकार कैसे आप गिरा सकते,
आप सिविल सोसाइटी में आ जाइए, आप जर्नलिस्ट बन जाइए, आप फिर ग्रुप बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब है दोनों चीजों का पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सही तरीके से सही स्ट्रक्चर पर दे दिया है कि अगर वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेंगे तो जनता खुद ही शासन करेगी, जनता खुद उनको के नए शासन को वहां पर ले आएगी। और अगर फंडामेंटल ऑफ राइट का शासन करेंगे तो उसके लिए तो आपके पास न्यायालय वहां पर सही है। दोनों ही सिस्टम को संविधान ने बहुत अच्छे तरीके से बेलविंग किया और ये पॉजिटिव क्या कहते हैं सकारात्मक राइट्स थे, पॉजिटिव कार्य थे किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके, स्टेट के। और ये इंस्पिरेशन भी है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी दल या कोई सरकार जो लोगों के लिए सच में भलाई का काम करना चाहते हो उसके लिए कितना बड़ा एस्पिरेशन है कि आप उनके सामाजिक स्तर को और आप उनके आर्थिक स्तर को मजबूत कर दें, राजनीतिक स्तर पर तो उन्हें सब कुछ मिला हुआ। बात समझ में आया, पॉलिटिकल राइट्स तो सारे मिले हुए हैं, सोशियो और इकोनॉमिक जो राइट्स हैं राइट्स आपको कहां मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये इंपॉर्टेंस था, कल हम लोग सीधे सीधे इस नीति तत्वों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सीधे ठीक है, पार्ट 4 आप लिख लीजिए अनुच्छेद 36 से 51। अगर आप जरूरत समझे थोड़ा सा तो एक बार आप ये काम करेंगे कि 36 to 51 ठीक है, एक बार आप देख लेंगे किस आर्टिकल में क्या क्या है, इतना कर लेंगे। दूसरा आप एक होमवर्क लिख लीजिए, डेली मिलेगा, लिख लीजिए अनुच्छेद 12 से 35 खाली आपको हेड नोट लिखना है, हेड नोट 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15। राइट डाउन हेड नोट्स ऑफ ऑल आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 12 to 35। चलिए आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी को, नोट्स लिख लिया है सब लोगों ने, ठीक है चलिए फिर कल मिलते हैं।